नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव है और आज इस खास मुलाकात कार्यक्रम में, चूंकि इस कार्यक्रम का नाम है पंचायत नामा और आज हम विश्लेषण करेंगे उन तमाम पंचायत चुनाव से जुड़े चीज़ों का और पंचायत चुनाव में किस तरह की संभावनाएं बनेगी, कहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करें कि पंचायत चुनाव बिहार में कब होगा, क्या तारीख होगी, क्या समय होगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बनते हैं इस कार्यक्रम में। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कौन प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और कौन नहीं। चुनाव आयोग ने बताया कि शर्तों के साथ एक से अधिक पदों पर भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है। तो ये जो अपडेट है वो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किस तरह से, चूंकि चुनाव का जो फाइट है वो अलग अलग एक प्रत्याशी अलग अलग सीटों पर कर सकता है। डीएम को भेजे गाइडलाइन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की योग्यता, उम्र, नामांकन शुल्क, नामांकन, मतदान मतगणना, नामांकन पत्रों की जांच आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्हें अलग अलग पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन शुल्क भी अलग अलग जमा करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी 21 वर्ष योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार है, बशर्ते पूर्व में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। कहा गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी, विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृह रक्षक, सहायक सरकारी अधिवक्ता और इसके साथ ही जो केवल शुल्क पर नियुक्ति किए गए हैं चुनाव लड़ सकते हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेश, पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक या अन्य कर्मी पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसोईया, मानदेय पर कार्यरत कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कार्यरत गृह रक्षक, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा रिटेनर शुल्क पर नियुक्ति किए गए हैं या सहायक लोक अभियोजक अभ्यर्थी बन सकते हैं। कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 18 के 5 के अंतर्गत शक्तियों के दुरुपयोग और अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार के आरोप पर पदच्युत किए गए मुखिया तथा धारा 97(5) के तहत पदच्युत किए गए ग्राम कचहरी सरपंच या उप सरपंच चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह ने कहा कि आयोग के गाइडलाइन सभी वीडियो को भेज दिया गया है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान गाइडलाइन के अनुसार काम करने का निर्देश भी दिया गया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं मैं आपको तफसील से बता रहा हूं कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इन तमाम चीजों को बड़ी तफसील से, चूंकि पंचायत चुनाव बिहार में होने जा रही है और इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, तो जिस तरह का माहौल में होगा, कैसा होगा स्वरूप इस पंचायत चुनाव का, कितने चरणों में होगी, क्या टाइमिंग होगा, इस पंचायतनामा कार्यक्रम में हम आपको तफसील से बताएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव होगा। तो चूंकि पंचायत चुनाव का जो कितने चरण में चुनाव होगा और उसकी समय सीमा क्या होगी, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि पंचायत चुनाव 10 चरणों में होने की संभावना है और चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी भेजा है, नामांकन का समय भी तय कर लिया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जल्द जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को पर्चा भरने से लेकर चुनाव संपन्न कराने से संबंधित तैयारियों का विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग की तैयारी जिलावार 10 चरणों में चुनाव कराने की है। प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक 800 मतदाता होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी
से यह भी कहा गया है कि शीघ्र औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव से संबंधित लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने जोर दिया है। आयोग ने पंचायत चुनाव में पारदर्शिता अपनाने पर बल दिया है ताकि प्रत्याशियों की शिकायत कम से कम आयोग के पास आए। नामांकन की अंतिम तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर स्क्रूटनी आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला प्रशासन को भेजे हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर स्क्रूटनी की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। पर्चा भरने से संबंधित अधिसूचना जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कार्यालय में जारी की जाएगी। नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की तैयारियों से संबंधित एक एक बिंदु पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग में नामांकन शुल्क से लेकर आरक्षण और अन्य जानकारी से अधिसूचना संबंधित सूचना भेज दी है। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पर्चा भरने का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि आयोग ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन का समय तय किया है। वहीं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान और 8 बजे से मतगणना होगी। मालूम हो कि इस बार जिले में पहली बार पंचायत चुनाव के दौरान ईवीएम से वोट डाले जाएंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है और जानकारी के मुताबिक किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की तारीखों का आयोग ऐलान कर सकता है। तो आपको तैयार रहने की जरूरत है जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि किसी भी वक्त चुनाव आयोग तारीखों का घोषणा कर सकती है। प्रत्याशियों के नामांकन का भी स्थान तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामांकन का भी स्थान तय कर लिया गया है। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम कचहरी के पदों के लिए पर्चा प्रखंड में भरा जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड, विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और उप संहारता स्तर के पदाधिकारी होंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। निर्वाचित पदाधिकारी व सहायक निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त होने के आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए निर्वाचित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचित पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने इसके साथ ही प्रत्याशियों, प्रस्तावकों की योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों की भी सूची भेजी है। इसके अलावा प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्राम कचहरी, पंच व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क ₹250, महिला प्रत्याशी, एससी एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए ₹125 होगा। मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी ₹1,000 होंगे और महिला प्रत्याशी, एससी एसटी व पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी का ₹500 नामांकन शुल्क होगा। वही जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को ₹2,000 और इसमें जिला परिषद के महिला सदस्य जो हैं एससी एसटी व पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी के लिए ₹1,000 नामांकन शुल्क के रूप में देना होगा। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के भेजे गाइडलाइन में कहा गया है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 36 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी नाम निर्देशन से संबंधित सूचना संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी। इसमें नाम निर्देशन की अंतिम तारीख, समय व स्थान, नाम निर्देशन की समीक्षा के लिए तिथि, समय तथा नाम वापस लेने की तारीख का उल्लेख होगा। तो ये तमाम जानकारी उन लोगों के लिए है जो प्रत्याशी हैं और जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको देखना ये जरूरी होगा। चूंकि पंचायतनामा बिग न्यूज 9 की ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम पंचायत चुनाव से संबंधित तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। और चूंकि अब गांव-गांव में घूम करके हमारी टीम हर पंचायत का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी, तो इसे